GEM, which is a government e-marketplace, an online platform for public procurement in India, an initiative which was launched on August 9, 2016 by Ministry of Commerce and Industry, Government of India, with an objective to create an open and transparent procurement platform for central and state government buyers. In the era of digitalization, government e-marketplace is known to stand for its three pillars, being efficient, transparent and inclusiveness, to ensure that business in the government e-marketplace is quick, easy and hassle-free. With this, we'll take you to the press conference addressed by Union Minister Piyush Goyal on GEM, on reaching the mark of 2 lakh of overall business in the financial year 2023. So come, let's take you to the press conference and also the question answer session addressed by the Union Minister. This press conference is being held because GEM has reached a landmark figure of 2 lakh crore procurement in a single financial year. We are very happy that we are able to breach this mark. मित्रों, फिर एक बार आप सबसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिल रहा है. आपको ध्यान होगा, करीब करीब 5-6 दिन पहले हमने 750 बिलियन $ का निर्यात हमने पार किया. अब वो भी बढ़ के फाइनल फिगर्स आने जैसे जैसे शुरू हो रहे हैं, वो 765 बिलियन के आसपास होगा. उसके थोड़े समय बाद हमें मौका मिला G20 के पहली जो बैठक थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, उसका 3 दिवसीय बैठक मुंबई में हुई. बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी समन्वय बनाने वाली चर्चा हुई. और हमें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, एक अच्छा मौका बनेगा भारत के वर्चस्व को, भारत की साख को पूरी दुनिया में पेश करने का. तीसरी अपॉर्चुनिटी कल मिली, मौका कल मिला, जब हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 दिल्ली में रिलीज की आप सबके समक्ष. वास्तव में तो जेम एक प्रकार से प्रतीक है उभरते हुए नए भारत का. और प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बात कही थी जो मैं आपके समक्ष कोट करता हूं, द वर्ल्ड एज वी न्यू इज चेंजिंग एंड अ न्यू वर्ल्ड इज अनफोल्डिंग. वही नई दुनिया के जो अच्छे फीचर्स हैं वो भारत में भी आए, उसके लिए जेम जैसा पोर्टल को लॉन्च किया गया. एक प्रकार से ये जनहित और देशहित के लिए एक डिजिटल पब्लिक गुड भी माना जा सकता है. जैसे UPI है जिसने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को एकदम सस्ता कर दिया. आज हम विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट UPI के माध्यम से होता है पूरे विश्व में. ONDC आने वाला है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो छोटे छोटे व्यापारियों को मौका देगा ई कॉमर्स के साथ जुड़ने का. ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश को तेज गति से आगे बढ़ाया है, ये उसका एक प्रतीक जेम है. और जेम के माध्यम से देशवासियों की लगभग 35,000 करोड़ की अभी तक बचत अनुमानित हो चुकी है. और आगे चल के भी जेम को अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अलाउ कर दिया है. तो एक प्रकार से इसने एक नया अध्याय ईमानदार खरीद का भारत में उसको लागू कर दिखाया है, जैसा इन्होंने बताया और आपकी प्रेजेंटेशन में भी दिया है. वर्ल्ड बैंक और IIM लखनऊ ने भी स्टडीज किए इस पे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से भी एक स्टडी करवाई गई 2021 में कि स्टेक होल्डर्स का क्या फीडबैक है, क्या बचत होती है और क्या ये ई कॉमर्स पोर्टल जेम ने देश और खरीदने वाले व्यक्तियों का विश्वास जीता है कि. और अच्छी फाइंडिंग्स आई और मैं समझता हूँ आगे चल के जेम और तेज गति से प्रगति करेगा और देश की सेवा करेगा. सर, आई एम फ्रॉम द ट्रूहंट ऑनलाइन. सर, सबसे पहला ऑब्वियसली ये जो 2,401,000 का आंकड़ा है ये बहुत अच्छा है, पर जब हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में जाते हैं तो वो एक और 21 से देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा जंप था. ऐसा जंप भविष्य में कब देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हमारी राज्य सरकारें और उनकी इकाइयां भी बड़े रूप में आ जाती हैं तो एक और बड़ा जंप मिलने का संभावना बनती है. इसी के साथ साथ जो कॉर्पोरेशंस, पंचायत, जैसे मैंने कहा हेल्थ, एजुकेशन, ये सब देश में बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी व्यवस्थाएं हैं, इनके जुड़ाव से भी और जंप मिलेगा. और कोऑपरेटिव सेक्टर का भी एक बड़ा जंप मैं अनुमान करता हूं. तो एक भविष्य बहुत अच्छा है. मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि और लोग इसमें सेलर्स के रूप में भी जुड़े, जो लोग अपने अपने बिजनेस में है, जिससे उनको भी मौका मिले सरकार की खरीद में.
पार्टिसिपेट कर। आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि स्टेट्स को भी जोड़ना है, और सर इसके लिए जो ग्रीवेंस और रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो किस तरीके का काम कर रहा है और आगे भी करेगा? आफ्टर सेल सर्विस इज अवेलेबल, यू सी आवर कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, उसमें आप अगर चाहे तो सीधा आउटलेट परचेज करें, आप विद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। आपने कहा ग्रीवेंस रिड्रेसल का, तो हमारा एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम है इंसिडेंट मैनेजमेंट का, जिसमें ये बायर भी शिकायत रेज कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। और जो सेलर का होती है कुछ गड़बड़, तो हम सेलर को मार्केट में से निकाल देते हैं, बायर को हम वार्न करते हैं, बायर के सुपीरियर को बताते हैं भी यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा हमने बहुत सारे AI टूल्स डिप्लॉय किए हैं, जिससे कि हमें डिविएंट बिहेवियर का पता चल जाता है, अभी क्या डेटा का जितना एनालाइज करें उतनी हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उन सबका यूज हो रहा है। तो इसके माध्यम से अभी ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हमारा काफी अच्छा चल रहा है, हेल्प डेस्क भी काफी इंप्रूव्ड है।